रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, हमने खुद भी सच्चा बनना है और आप सच्चे लोगों का साथ देना है, क्योंकि कुरान मजीद में आता है सूरह तौबा में, ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो, अपने साथ सच बोलना, दूसरों के साथ सच बोलना। तो आज हम मिसिंग नंबर करेंगे। मिसिंग का मतलब होता है गुम, लापता या गायब, और नंबर हिंसे को कहते हैं। तो हम आज वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हिंसे गायब हैं, हमने वो लिखने हैं। तो आप ये देखें कि ये है 2 3 और आगे जगह खाली छोड़ी हुई है। तो हम 2 से काउंटिंग शुरू करेंगे। आप अपने हाथ की 2 उंगलियां खोलें तो ये हो गया 1 2, और अब आप एक उंगली और खोलें तो ये हो गया 3 1 2 3 या 1 2 3, और उसके बाद एक चौथी उंगली भी खोल लें तो ये बन गया 1 2 3 4। तो 2 भी लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ था, तो 3 के बाद क्या आता है? शाबाश, 3 के बाद आता है 4। तो मिसिंग नंबर जो है वो 4 लिखा जाएगा। फिर इसी तरह ये है 7 8 और आगे जो है वो मिसिंग नंबर है। तो आप अपने हाथ की 5, एक हाथ में उंगलियां होती हैं, दूसरे हाथ की 2 उंगलियां साथ खोलें तो ये बन गई 7, और फिर आपने तीसरी उंगली भी खड़ी कर दी तो 5 और 3 8, और फिर आपने 8 के बाद आता है 9, एक उंगली आप और खोल लें तो 7 8 और 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिसिंग नंबर इज 9 9 7 8 9। तो फिर उसके बाद ये है 4 5 और आगे डैश मिसिंग नंबर है। तो ये हम फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं। तो हम पहले अपनी 4 उंगलियों से शुरू करेंगे 1 2 3 4, उसके बाद हमने पूरा हाथ खोल लिया तो एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं 1 2 3 4 5, और 5 के बाद हम दूसरे हाथ की एक उंगली और साथ काउंट करेंगे तो ये बन जाएगा 6। तो अब हम देखते हैं कि 4 5 6 में से यहाँ पे मिसिंग नंबर कौन सा है। शाबाश, यहाँ पे हम लिखेंगे 6, तो मिसिंग नंबर जो है वो 6 है। फिर इसी तरह अगले क्वेश्चन में है 5 6 और डैश। तो हम वही तरीका इख्तियार करेंगे फॉरवर्ड काउंटिंग का। हम अपने हाथ की 5 उंगलियां 5 काउंट करेंगे, फिर हम एक उंगली और उसमें शामिल कर लेंगे तो 5 जमा 1 कितना होता है 6, तो ये बन जाएगा 6 5 6, और फिर हम 5 के अंदर जो है वो अपनी 2 उंगलियां और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7, तो 5 6 7, और मिसिंग नंबर जो है वो आएगा 7। शाबाश। फिर अब ये है, ये हमें बैकवर्ड काउंटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि पहला नंबर ही मिसिंग है और 2 और फिर 3, तो हम 3 से काउंट करते हैं। 3 के बाद जो है वो हमने 3 उंगलियां अपनी हाथ की खोली 1 2 3, और फिर हमने एक उंगली और बंद कर ली तो पीछे रह गई 2, और 2 में से फिर हमने एक उंगली खाली खोली तो ये रह गया 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? शाबाश, 3 2 और 1, गुड। तो ये हमारा मिसिंग नंबर था 1। इसी तरह फिर आगे है मिसिंग नंबर है, और फिर 8 7 और डैश लिखा हुआ है, डैश 7 8 भी पढ़ सकते हैं। तो पहले हम 8 से स्टार्ट करेंगे, 5 प्लस 3 5, एक हाथ की उंगलियां और एक हाथ की 3 उंगलियां, ये बन जाती हैं 6 7 8, और फिर हमने एक उंगली और बंद कर ली तो ये बन गया 5 6 7, और फिर हमने एक उंगली और बंद कर ली, एक उंगली रहने थी तो ये बन जाएगा 6 प्लस 1 7। तो मिसिंग नंबर जो है हमारा 7 माइनस 1 इज 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 7 8। फिर यहाँ पे एक डैश है और 5 और 6, तो हम 6 से काउंटिंग बैकवर्ड शुरू करते हैं। 6 5 और 6 5 और 1 6, और इसमें हम एक उंगली बंद कर लेते हैं, पीछे रहेगी 5, और आप 5 में से एक उंगली बंद कर लेंगे तो पीछे रह जाएंगी 4। शाबाश, ये देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये जो है मिसिंग नंबर आ जाएगा 6 5 और 4, क्योंकि हम बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि ये है डैश 4 5, तो हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। पहले हम एक हाथ की 5 फिंगर्स लेते हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद हम एक उंगली बंद कर लेते हैं तो पीछे रह गई, शाबाश, पीछे रह गई 4 उंगलियां।
एक दो तीन चार, अब चार में से भी एक हम बंद कर लें तो पीछे कितनी रहेगी, एक दो तीन, शाबाश। तो ये जो मिसिंग नंबर है ये है 5, 4 और 3, शाबाश। तो आज हमने मिसिंग नंबर जो हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग में किए। हुस्न किरदार से नूरे मुजस्सिम हो जा कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अच्छा बाकिरदार इंसान बनाए। तो ये वीडियो आपकी खिदमत में पाकिस्तान होम स्कूल की तरफ से पेश की गई। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।